हेलो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेकर। गाइस, जिस जिसको क्राफ्ट करना पसंद है वो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैंने मंगाया है क्राफ्ट से रिलेटेड एक मटेरियल, वो की है यहाँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, जो कि आ गया है। ये तो कल रात को ही आ गया था, लेकिन आज मैं इसका वीडियो बना रही हूँ, तो आज मैं आप सभी के साथ इसका अनबॉक्सिंग करूँगी। तो गाइस, चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं कि ये क्या है। रुकिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। ये है हमारी हॉट ग्लू गन। तो आप हॉट ग्लू गन तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिजली से चलता है। इससे हमारा हार्ड मटेरियल, बहुत सारे होता है ना, जैसे कुछ फेविकोल से ज्वाइंट नहीं हो पाता, लेकिन ये उसे ज्वाइंट कर देता है, तो इसीलिए मैंने इसे मंगाया। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो फ्रेंड्स, चलिए इसको हम निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले है ये हमारी ग्लू गन स्टिक। तो ये हमारी स्टिक, देखिए गाइस, ये स्टिक, इसको मैं आपको एक निकाल के भी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, ये है हमारी ग्लू स्टिक। इसमें बहुत सारी स्टिक है। ये है 25 ग्लू स्टिक है। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारी स्टिक है, ये मतलब कि कोई ग्लू इसके अंदर नहीं होता है, ये प्लास्टिक की स्टिक होती है। प्लास्टिक की स्टिक होती है, तो जब ये हमारे ग्लू गन के अंदर जाती है तो ये पिघलती है, तभी हमारा हार्ड मटेरियल चिपक जाता है। तो कोई वो सो फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको दिखाती हूँ हमारी ग्लू गन। तो इसको रखते हैं अभी साइड में। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी ग्लू गन। अरे मतलब अभी ग्लू गन इसको निकाले नहीं है, लेकिन ये हमारा ग्लू गन का डिब्बा है। ग्लू गन का डिब्बा है, तो इसमें देखिए ये सब है। तो मतलब इसमें दिखाया गया है कि आप प्रोडक्ट ग्लू गन, कलर स्काई ब्लू है ग्लू गन का। और तो चलिए इधर छोड़ते हैं पढ़ना वरना, तो निकालते हैं इसको फिर दिखाते हैं। तो इसको निकालते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको निकालते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी ग्लू गन। मुझे बहुत इंतजार था इसका और ये आज आ चुकी है, तो हमें हमारे इंतजार का फल मिल चुका है। अब जो नेक्स्ट क्राफ्ट के वीडियोस आएंगे ना, उसमें यही यूज होगा। तो देखिए गाइस, ये एक वो क्या होता है, तार से ये टाई है। तो इसको निकालते हैं, ये है इसकी। ये गाइस, मैंने आपको बताया था ना, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये प्लग है। इसको हमें स्विच बोर्ड में लगाना होता है, तभी ये फिर हमारी ग्लू मेल्ट होती है। तो यहाँ पर गाइस देखिए, ये हमारे ऑन ऑफ का बटन, ये ऊपर ऑन होता है, नीचे ऑफ होता है। तो ये हमारे ऑन ऑफ का बटन है। यहाँ पर एक होल टाइप है, देखिए यहाँ से एक होल टाइप है। यहाँ से हमारी ग्लू स्टिक, देखिए गाइस, यहाँ होल है, देखिए गाइस यहाँ होल है। तो यहाँ होल से हम इसको अंदर डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ से ये हमारी अंदर जाती है, ठीक है। अब जब हम इसको, ये है ना, ये इसको हम ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये अंदर बाहर होती है गाइस। देखिए, ये अंदर बाहर होती है, इसी वजह से हमारी ये फिर पिघलती है। तो देखते हैं अभी डिब्बे में कुछ और क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें अभी एक चीज़ और है, निकल नहीं रहा, निकालते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये निकल आया। ये क्या है, अरे ये स्टैंड है गाइस। ये हमारे ग्लू गन में लगाने के लिए स्टैंड है, ताकि जब हम इसको यूज़ करें तब हम इसको ऐसे रख सकें। तो इसको स्टैंड, कुछ ग्लू गन में स्टैंड प्लास्टिक का पहले से लगा हुआ आता है, लेकिन कुछ ग्लू गन में नहीं लगा होता, वो अलग से आता है गाइस, ऐसे मेटल का अलग से आता है। तो इसको लगाना बहुत ही ईजी है। देखिए गाइस, यहाँ पर एक होल है और यहाँ पर एक होल है, तो इन होल में हमें सिंपली इसको डालना है। तो मुझसे नहीं पा के लाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसको लगवा लिया,
देखिए गाइस, ये ऐसे हमारा अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर होता है। तो क्या होता है, जब हम इसे यूज़ करते हैं तब हम इसे ऐसे थोड़ी ना रख देंगे, नहीं तो हमारा जो ये कीप है ये फिर जहाँ रखेंगे उससे टच होगा तो वो चीज चिपक जाएगा, उसे लिए स्टैंड दिया जाता है। तो चलिए मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाती हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहती हूँ आपकी सेफ्टी के लिए। जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आप इसको, ये जो इसके निप है इसको टच मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और अगर आप मुझसे छोटे हो तो इसको यूज़ मत करिएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ इसको, अगर आप मुझसे छोटे हो तो इसको ट्राई मतलब यूज़ मत करना। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये स्टैंड दिया है, आप इसको सीधे ज़मीन पर ना रखें, आप इसको किसी किसी कार्डबोर्ड डिब्बे के ऊपर कुछ इस तरीके से रखें, ठीक है, कुछ इस तरीके से रखें। इस समय ये ज़्यादा सही रहेगा। और चलिए मैं आपको इसको ट्राई करके दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा बोर्ड, ये बोर्ड है, तो यहाँ पर सिंपली हमें इसको प्लग पे फिट करना है। तो गाइस देखिए, मैंने इसको लगा लिया है और इसमें पहले हम डालेंगे ग्लू, ग्लू की स्टिक, उसको डालते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं स्विच को ऑन कर रही हूँ, और यहाँ पर ये जो हमारी ऑन ऑफ की बटन है इसको भी हमें ऑन करना है। तो गाइस देखिए, जैसे मैंने इसको ऑन किया यहाँ पर रेड कलर का लाइट जलने लगा, तो इसको मैं अब गाइस इसको हमें 1 से 2 मिनट के लिए रखना पड़ता है, ताकि ये ग्लू गन हमारी, ये ग्लू स्टिक हमारी पिघल जाए थोड़ा। तो इसको 1 मिनट के लिए रखते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब 1 मिनट के बाद देखिए गाइस, इससे ग्लू निकल रहा है। तो यहाँ पर इसको मैं निकालती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐसे करना पड़ता है। और ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये ग्लू निकल रहा है, ग्लू निकल रहा है गाइस। तो इस तरीके से इसमें बस आपको ऐसे ऐसे इसको ऐसे ऐसे प्रेस करना है और इसमें से निकलेगा ग्लू। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब चलिए मैं ज़्यादा इसको वेस्ट नहीं करती हूँ, तो इसको मैं बंद करती हूँ। सो फ्रेंड्स, देखा मैंने आपको यूज़ करके दिखा दिया। सो फ्रेंड्स देखिए, ये ग्लू, मैं आपको इसमें कुछ पेस्ट करके दिखाऊं। ये देखिए, ये एक स्टिक है, इसको मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। तो अभी ये ग्लू सूख चुका है, तो अभी इसमें पेस्ट नहीं हो रहा है। हैं, इतनी जल्दी सूख गया? तो गाइस बहुत जल्दी सूखता है। तो ये था हमारा ग्लू गन। तो मैं आपको कुछ बता देती हूँ। देखिए गाइस, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इसको यूज़ करें तो प्लीज़ आप इसकी निप मत टच करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और अगर आप इसको बहुत देर तक यूज़ करेंगे तो इसका ये वाला पार्ट बहुत गर्म हो जाएगा। गाइस बहुत गर्म हो गया है अभी, तो मैं आपको करूँगी कि आप इसको 1 मिनट यूज़ करें, 1 मिनट के लिए छोड़ दें, इसको रेस्ट दे दें, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि अब ठंडा होना स्टार्ट हो गया है। तो इसका जो मेटल का ये है, ये हमें बहुत हेल्प करता है इसको ऐसे रखने के लिए। मैं आपको बता दूं, जब आप इसको यूज़ करें तब आप इसको ज़मीन में ना रखें, आप इसको ऐसे ही ऐसे किसी कार्डबोर्ड के ऊपर रखें, ये ज़्यादा सही रहता है। तो चलिए, कैसा लगा आपको मेरी ग्लू स्टिक? आप इसको ग्लू स्टिक निकाल भी सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये हमारी ग्लू स्टिक निकल गई, बहुत ही इजली ये निकल भी जाती है और बहुत ही इजली ये अंदर भी चली जाती है। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो, बहुत सारे शॉपिंग ऐप हैं, आप किसी भी शॉपिंग ऐप से इसको इजली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, हॉट ग्लू गन पसंद आई हो तो शेयर करिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस करके और वो बटन प्रेस कर देना, क्योंकि आपको ऐसे ही हमें अच्छे अच्छे वीडियो दिखाने हैं। तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।